आखिरी ओवर का गेम रह गया है, 6 बॉल्स हैं, 16 रन स्कोर करने हैं साउथ अफ्रीका ने अगर। लेकिन इस फाइनल में आखिरी 4 ओवर में 26 रन, आखिरी 3 ओवर में 22 रन उनसे नहीं बने, इसका मतलब है दे आर द रियल चोकर्स ऑफ इंटरनेशनल। तो इसका मतलब है कि आसाब की जंग वो नहीं जीत पाते, यही है या क्या है? एक शॉट ने देखे क्लासन के, एक विकेट ने पूरा टर्न कर दिया मैच, उसके बाद जो बुमराह ने और अर्शदीप ने ओवर कराया वो कमाल के थे। देखे कमबैक करवाया हार्दिक पांड्या ने जैसे ही आउट किया, लेकिन नया बॉल जैसे बुमराह ने और हर्षदीप सिंह ने किया है ना, आप देखे 4 ओवरों में 20 रन दिया हर्षदीप सिंह ने और 2 विकेटें ली हैं। बुमराह ने 24 बॉलों में से 14 डॉट बॉल्स करेंगे, कमाल है। मतलब टूर्नामेंट में पूरे टूर्नामेंट में 178 में से 110 डॉट बॉल, क्या बात कर रहे हैं, 15 विकेट, 4 का इकोनॉमी, तो मेरे हिसाब से तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। जब आप 100+ डॉट बॉल्स का मतलब T20 में, ये तो क्लास अपार्ट। अगर आप कभी भी किसी भी दिन पूछें कि लिमिटेड ओवर्स का बेस्ट बॉलर कौन है, तो वो बुमराह ही है। बुमराह इज सो यूनिक और वो कमाल की परफॉर्मेंस है। और ये देखिए साउथ अफ्रीका का कोलैप्स किस तरह हुआ है, 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर 24 गेंदों पे 26 रन चाहिए थे, 18 गेंदों में 24 रन चाहिए थे, 12 गेंदों पे 20 रन चाहिए थे, फिर 6 पे 16 चाहिए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बुमराह। के मैच में इंडिया के फास्ट बॉलर ने 11 ओवर में 58 रन दिए। ओके, चाहे वो पांड्या हो, चाहे हर्षदीप हो, चाहे बुमराह हो, तो ये तो 5.5 का कोई जी हो गया, जहाँ पे उन्हें ऑलमोस्ट 12 रन की एवरेज चाहिए थी एक टाइम पे। और दिया तो इन्होंने, विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच है, बासित अली का मैन ऑफ द मैच इस मैच में बुमराह है। जस्ट आउट इस वर्ल्ड कप में इंडियन बॉलिंग बहुत जबरदस्त करती रही, चाहे वो नया बॉल हो, मिडल में आके स्पिनर्स आउट कर देते थे, आज थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ये है कि काम रहे हैं, प्रेशर आया नहीं है। 15 ओवर तक तो मुझे ऐसे लग रहा था कि हाथ पांव। भारत ये वर्ल्ड कप किस प्लेयर की वजह से जीता है कमेंट जरूर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।